चंपावत में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर वन पंचायत भवन में लगे समाज कल्याण शिविर ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे, लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से बांटे गए अंग और उपकरण इतने घटिया निकले कि एक विकलांग जब कृत्रिम पैर पहनकर बाजार पहुंचा तो कृत्रिम अंग टूट गया, जिससे दिव्यांग का दूसरा पैर भी टूटते टूटते बचा। इस बात को लेकर जब जिले के जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही कृत्रिम अंग प्रदान करने वाली कंपनी की भी जांच की बात कही है। बता दें आपको, कृत्रिम अंग प्रदान करने वाली कंपनी सरकारी है। ये कृत्रिम अंगों का निर्माण कानपुर में होता है और इनकी सप्लाई वहीं से की गई थी। इसमें मेजरमेंट्स लेके आज फिटिंग भी कार्यक्रम किया गया था, जो भारत सरकार की एक उपक्रम है, और आपके माध्यम से एक दुर्गत घटना में पता चली है कि एक उपकरण आज ही टूट गया है। डेफिनेटली इसकी हम तत्काल जांच कराएंगे और जिस संबंध में हमें लिखना भी पड़ेगा उचित करके तो उसकी रिपोर्ट। आज ही मिला मेरे को ये गलचौड़ मैदान में वन पंचायत भवन में, तो मैं जैसे आ रहा था बाजार में तो ऑटोमेटिक टूट गया है। गिरने से बचा? हाँ, गिरने से क्या बचा, मरते हुए बचा समझ लो, मेरा दूसरा पैर भी।